बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों क्या हाल चाल है। हमने क्रिमिनोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आपको काफ़ी लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊँगा प्रोसिक्यूटर और जेल के बारे में, इंतहाई ईजी वे में बताऊँगा और ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जिसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं, आखिर ये होता कौन है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको जो सिंपल वर्ड में ये कहा जाता है कि ये एक सरकारी वकील होता है, एक लायर होता है, जो सरकारी तौर पर जो है जो मुकदमात को चलाता है, किसी भी फौजदारी को, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। अच्छा, इसका रोल जो होता है वो ज़्यादातर इन मामलात में होता है जहाँ पर जो है स्टेट मदई होती है, यानी स्टेट की मदईत में जो है मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हेल्पर भी मैं ऐसे कहता हूँ कि ये हेल्पर ऑफ द कोर्ट है। अगर मैं और इसकी जो है डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं ये वो लेयर जो कंडक्ट करता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग को ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, तो उसे हम कहते हैं जो ये प्रोसिक्यूटर्स है। तो ये प्रोसिक्यूटर का आपको जो है पता चल गया होगा, मैंने तीन डेफिनेशन बताई। ये भी अगर सिंपल वर्डिंग में आप याद रखें तो ये हेल्पर ऑफ कोर्ट और कोर्ट का जो हेल्पर्स है। सेकंड में ये बताऊं कि इसने क्या करना था, क्रिमिनल प्रोसीजिंग को चलाना होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आ लॉयर हु कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीजिंग ऑन द प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट्स। तो जो स्टेट्स के बिहाफ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जो काम क्रिमिनल प्रोसीजिंग का काम करता है उसे हम जो है कहते हैं वो प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी प्रोसिक्यूटर की। अच्छा, अब इसकी ड्यूटीज क्या है। अगर हम इसकी ड्यूटी देख लें तो इसका सबसे पहले काम होती ये होता है कि इसने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को उसे कोर्ट के अंदर जो है चलाना होता है, जो क्रिमिनल मुकदमात होते हैं उनको जो कोर्ट के अंदर चलाना होता है। अच्छा, इसे मैं ये भी कह सकता हूं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस, चलो ऑफेंसेस कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उसे जो कोर्ट के अंदर चलाने का काम है वो भी इसका होता है। उसके बाद अगर मैं इसके सेकंड काम की बात करूं तो इसका दूसरा काम जो होता है वो ये होता है कि जो भी एफआईआर की कॉपीज है उसको जो रिसीव करना है, रिसीव द कॉपी ऑफ एफआईआर भी एफआईआर नंबर दो। थर्ड काम इसका क्या होता है, इसने पुलिस को यह बताना होता है कि आप हर वो फॉर्मेलिटीज और लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करें जिसकी वजह से ये अक्यूज्ड कन्विक्टेड में तब्दील हो जाए। तो इसे हम कहते हैं कि ये गाइडर भी है, पुलिस का जो है गाइडर भी है। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सजा दिलवाना उसे कन्विक्टेड रेशो को जो है बढ़ाना है। अच्छा, इन मामलात में जिस मामलात में दोनों, जिसमें यानी विक्टम्स भी और अक्यूज पार्टी दोनों ही यानी सिविलियंस होते हैं, उसमें दोनों के अपने वकला हजरात पेश होते हैं, उनमें जो रेशो आप देख लें कन्विक्टेड रेशो उनमें देख लें और उनमें रेशो देख लें जिनमें जो है स्टेट्स मदई हैं। फॉर एग्जाम्पल सीएनआईसी नार्कोटिक्स के केसेस में आप देख लें इक्विटेड रेशो ज़्यादा है बनस्पत जो है कन्विक्टेड रेशो के। तो इसकी में प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं। अच्छा, मैं अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर रहा था। इसकी ड्यूटी मैंने ये भी पहली ड्यूटी तो मैंने आपको ये बता दी कि इसका काम क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजिंग को जो है चलाना। दूसरा ये मैं आपको बताता हूँ, जो भी हाई कोर्ट के अंदर अपील्स होती है किसी भी यानी कि जो कोई मुकदमा एंटी नार्कोटिक्स केसेस में देख लें जो हाई कोर्ट के अपील होती है तो उन दिफा में भी जो इसने है काम करना होता है। तो इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रिप्रजेंट करना है, रिप्रजेंट द स्टेट क्रिमिनल अपील इन हाई कोर्ट। तो ये सेकेंड मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अच्छा, अगर मैं आपको इसका थर्ड पॉइंट बता दूं तो इसे इसमें इसका काम यह भी है पुलिस रिपोर्ट जो इसने पुलिस की रिपोर्ट्स है उसकी इसने जांच पड़ताल भी करनी होती है। इसने जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है उसकी जांच पड़ताल भी इसने करनी है और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट काम है इसने जो कोर्ट को है इस बात में क्लियर करना है, कोर्ट को ये बात साबित करने की कोशिश करनी है कि ये जो पर्सन है
ये पर्सन जो कन्विक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसने ये जो क्राइम जो ये जुर्म है वो जो कमिट किया है। और जो जो प्राइवेट लेयर होता है उसने ये साबित करना होता है कि इसने जो हमारा जो अक्यूज्ड है इसमें लिहाजा बेगुनाह है और इसे जो है एक्विट किया जाए। तो ये इनका जो आपस में जो इनकी फाइट्स होती है, ये जो को स्टेट की तरफ से वकला हजरात होते हैं उसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अच्छा, अब इनकी ड्यूटी की भी बात मैंने आपसे कर ली। अच्छा, अगर और आपकी इनकी ड्यूटी को देखते जाएं तो इनकी ड्यूटी कोर्ट को है, कोर्ट की हेल्प करना है, ऐसे वैसे जो काम होते हैं वो करना होता है। इनका काम मैंने आपको बता दिया, कन्विक्टेड रेशो को ज़्यादा बनाना है, इक्विट जो है इक्विट ना लोग हों इनका काम ये। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो कन्विक्टेड रेशो है वो कम क्या है। एक मैं आपको प्रॉब्लम इसकी बता देता हूँ। अच्छा, इसकी एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम है कि आपके आईओस को, आपके इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स को जो है इस बात का इल्म ही नहीं है, वो लॉ के बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें बस और सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में पता है और पता है इसमें दफात जेरे दफात किस दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और उन्हें जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग की इन्वेस्टिगेशन चलाने का निज़ाम है उसके बारे में जो है बिल्कुल जो पता ही नहीं है कि कैसे जो हमने क्रिमिनल प्रोसीजिंग को चलाना है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी कन्विक्टेड रेशो बढ़े तो आप ये करें कि जो आपके जो इन्वेस्टिगेशन जिसे हम आईओ कहते हैं जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कहा जाता है, किसी भी मुकदमे का आईओ, उसको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है कोर्ट में बेनिफिट्स हैं अक्यूज के लिए और ये जो बेनिफिट्स हैं पुलिस के लिए। तो इसमें जो है सबसे पहले ये, अब ये इसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अगर आप इनकी इन्वेस्टिगेशन के मामलों को देख लें, बहुत कम रेशो है जो जो है कन्विक्टेड। इसकी वजह ये है कि अगर मैं ये बात आपको क्लियर कट बता दूं कि किसी इंसान की किस्मत बुरी होगी या फिर उसे किसी की बददुआई होगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस ने की हो और वो कोर्ट में जो उसको सजा हो जाए, तो उसकी जो ये किस्मत का ही राज है। वैसे जैसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इक्विटर रेशो जो है बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, क्या है, क्यों होता है? जब आप सारे मुकदमात को बिखेर कर प्रोसिक्यूटर के हाथ में दे देंगे, जब आप अदालत के अंदर चलान जमा करवा देंगे, फिर प्रोसिक्यूटर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, आप जो पॉइंट छोड़े होंगे वो जो प्राइवेट लेयर उसको लॉयर होता है उसे पॉइंट को लेकर क्विट हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी कन्विक्टेड रेशियो ज़्यादा है तो जो प्रोसिक्यूटर्स को आईओ के साथ जो है कोऑर्डिनेशन वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं सबसे इसमें जो है पहली बात ये बता दूं कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है किसके दरमियान, बिटवीन प्रोसिक्यूटर एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एजेंसीज इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर को चलाना कैसे है? तो इनके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। अगर आप देख लें कि जो हमारी जो रेशो है, हमारी जो रेशो कन्विक्टेड रेशो है, हमारी कन्विक्टेड रेशो दिन ब दिन कम हो जाती जा रही है। हमारे जो ज़्यादातर इक्विटर रेशो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो यहाँ से हम कन्विक्टेड हो जाते हैं वो हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारी जो कन्विक्टेड रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर इसी का थर्ड पॉइंट देखें तो जो इनके सरकारी वकला होते हैं जिसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं, इनकी जो होती है शॉर्टेज ऑफ पावर होती है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ये भी इनकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और इनको अगर हम थर्ड इसको देखें तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी एक और प्रॉब्लम लीक द ऑटोनॉमी। इनके पास इख्तियारात होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं इनका काम। अच्छा, अगर आप देख ही लें कि कोई पुलिस ऑफिसर आईओ इन्वेस्टिगेशन कर ही देता है अच्छे तरीके से, ये आप पुलिस का ही सारा कसूर नहीं है, तो इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो उनकी डिसहोनेस्टी है ना, डिसहोनेस्टी जिसे हम कहते हैं, डिसहोनेस्टी
प्रोसिक्यूटर की, इसकी वजह से भी जो कोर्ट में जो है वो मुल्जमान जो है इक्विट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो इस बात में सीरियस नहीं होता कि इसे मैं कन्विक्ट करना है, पैसे जिसे करप्शन कहा जाता है, तो करप्शन के निजाम की वजह से भी जो है इक्विटर रेशो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये मेरा छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया। जैसे ही आप इसमें जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिसमें जो लोगों को फेस करनी पड़ती है वो ये करनी पड़ रही है कि जी इस कहने के मुताबिक ऐसा है जी, अगर एप्लीकेशंस कोई दी जाए या जिसमें FIR रजिस्टर्ड हो उसमें दो गवाहान का होना ज़रूरी है, अगर एक गवाह भी चले जाए तो कोई मकसद नहीं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है। अगर आपको कोई पुलिस वाला इस बात के बारे में कहे तो आप ये बताएं कि किस लॉ की बुक में ये बात लिखी हुई है कि दो गवाह का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक मेरा भाई है और कोई आके हमें लूट के ले जाता है, हमसे पैसा ले जाता है, तो उस वक्त तो दूसरा पर्सन तो हमारे पास ही मौजूद नहीं है। फिर सब हम FIR की बुनियाद ही झूठ से करते हैं। जब हम अपनी FIR की बुनियाद झूठ से करेंगे तो यही काम होगा। जब हम IU की इन्वेस्टिगेशन हम अपनी सारी बैठ के थाने के अंदर करेंगे तो यही काम होगा। जब हम जायज़ वकूआ जात के ऊपर आके वहाँ पर जजमेंट नहीं करेंगे तो यही होगा। जब हम वकूए सेम बनाएंगे तो यही होगा। जब हम FIR झूठी देंगे तो यही होगा। आपकी झूठी FIR की वजह से जो मुल्जमान होते हैं वो उनकी इक्विटर रेशो भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इक्विटर रेशो की मेन प्रॉब्लम्स जो होती है इसमें यही होती है कि जो इक्विट पर्सन होते हैं जिसे हम इक्विटल कहते हैं, इक्विटल पर्सन, ये इनकी रेशो में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हो रहा है। इसकी वजह ये कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर बिल्कुल तबाह हो चुका है। IUs को इन्वेस्टिगेशन के बारे में इलम ही नहीं होते। इसमें प्रोसिक्यूटर का भी जो कसूर है और इसमें जो IU का भी कसूर है। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।